1556 में आज ही के दिन मुगल सम्राट अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में हेमू को मुंह की खानी पड़ी थी और रणभूमि में उसका सिर कलम कर दिया गया था। इस लड़ाई से मुगल अफगान संघर्ष का खात्मा हुआ और अकबर फिर से आगरा तथा दिल्ली पर कब्जा कर सका। 1870 में आज ही के दिन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध स्वराज पार्टी के नेता चितरंजन दास का तत्कालीन बंगाल प्रांत के ढाका के बिक्रमपुर में जन्म हुआ था। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की हमेशा वकालत की और राष्ट्र शिक्षा पर जोर दिया। 1911 में आज ही के दिन इटली ने लीबिया पर हमला किया तथा त्रिपोली और साइरोनिका पर कब्जा जमा लिया था। 1920 में आज ही के दिन भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का निर्माण हुआ था। भारतीय रेडक्रॉस का संबंध प्रथम विश्व युद्ध से है। उस समय 1 करोड़ रुपया जो इस संस्था के लिए दान मिला था इसका मूल धन बना। बंगाल की भुखमरी से लेकर कई प्राकृतिक दुर्घटनाओं के समय इसने अनेकों बार सहायता पहुंचाई है। 1927 में आज ही के दिन वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात की और साइमन कमीशन की आगामी यात्रा की घोषणा की थी। 2006 में आज ही के दिन इराक के पूर्व प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन समेत 3 को वर्ष 1982 में 148 शिया मुसलमानों के नरसंहार करने के मामले में लिप्त पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। 2013 में आज ही के दिन भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-25 के द्वारा 2:38 पर मंगलयान को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया था। अब तक मंगल को जाने के लिए शुरू किए गए 2/3 अभियान असफल रहे हैं, परंतु 24 सितंबर 2013 को मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया है। इसके अतिरिक्त ये मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है।